नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में भारत की संचार क्रांति की उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने 120 करोड़ मोबाइल और 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के आंकड़े प्रस्तुत किए। पीएम मोदी ने टेलीकॉम को अवसरों का माध्यम बताया और कहा कि भारत का मॉडल लोकल और ग्लोबल के मेल से नए लाभ प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 40% से अधिक बोलने और भाषा संबंधी दिव्यांगता वाले छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस बी आर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार की विशेष जांच होनी चाहिए और दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड के निर्णयों पर अपील का अधिकार होगा। भारत ने अमेरिका के साथ 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का 32,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। ये सौदा समुद्री और हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना को 15 वायुसेना और थल सेना को 8-8 ड्रोन्स मिलेंगे। सौदे के तहत भारत में रखरखाव की सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे रणनीतिक सहयोग में वृद्धि होगी। दिवाली से पहले मुकेश अंबानी की जियो ने खास ऑफर पेश किया है। जियो बुक 11 लैपटॉप पर 48% छूट के साथ कीमत 12,999 रुपये है। वहीं जियो फोन प्राइम 2 4G की कीमत 2,799 रुपये है, जिसमें 33% की छूट दी गई है। दोनों उत्पादों के लिए EMI विकल्प भी उपलब्ध है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी पर्यटन जोन 15 अक्टूबर से डे सफारी के लिए खुल गया है। मानसून के बाद ये जोन पर्यटकों के लिए फिर से सुलभ है। ढिकाला जोन 15 नवंबर से खोला जाएगा। बिजरानी में सुबह और शाम 30 वाहनों की अनुमति है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए 3 गुना अधिक मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने समावेशी समाज, मजबूत बुनियादी ढांचा और प्रति व्यक्ति आय के मापदंडों पर भी जोर दिया। उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी, जो पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने जरूरी दवाओं की कीमतें 50% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये कदम दवा निर्माताओं की लागत में वृद्धि और दवाओं की कमी से बचाने के लिए उठाया गया है। प्रभावित दवाओं में अस्थमा, ग्लूकोमा, तपेदिक और मानसिक बीमारियों की दवाएं शामिल हैं, जिससे सभी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी घुटने में सूजन के कारण पीछे रह गए हैं और उन्हें वापसी के लिए पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं किया गया। पिछले एक साल में शमी टीम से बाहर है और जल्द ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार होने की उम्मीद है। प्रसिद्ध मराठी अभिनेता अतुल परचूरे को का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पिछले कुछ वर्षों से लिवर कैंसर से जूझ रहे थे। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परचूरे ने कई मराठी फिल्मों और थिएटर में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और उन्होंने बॉलीवुड की फिल्में भी की थी। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन की टीम ने एक दिन में सबसे ज्यादा वड़ा पाव मंगवाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने 11,000 वड़ा पाव बच्चों में बांटे, जिसमें स्विगी और रॉबिन हुड आर्मी का सहयोग रहा। फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर भी हाल ही में जारी किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 अक्टूबर को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये 9 साल बाद हुआ उनका पहला दौरा है। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि वे इस यात्रा में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार और पर्यावरण पर सहयोग की बात की जाएगी। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष यान 5.2 बिलियन डॉलर की लागत से बृहस्पति की कक्षा में पहुंचकर महासागर की गहराई और सतह की संरचना का अध्ययन करेगा। मिशन के तहत 4 साल में 50 बार यूरोपा के पास गुजरेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का आरोप लगाया है, जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए हैं। कनाडा 5 आईज देशों के सहयोग से इस मामले की जांच कर रहा है। भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इसे रिश्वत मानते हुए चुनाव आयोग से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। अदालत ने इस मामले को अन्य समान याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी ली है, जिससे मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी चाहती है। पिछले 1.5 साल से बिश्नोई की कस्टडी की मांग की जा रही है, लेकिन CRPC की धारा 268(1) के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। बिश्नोई फिलहाल साबरमती जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुभाष पलेंकर को सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में अग्रिम जमानत दी है। बिचोलीम पुलिस ने 6 अक्टूबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। वेलिंकर ने नोटिस का पालन किया, जिसके चलते सरकारी वकील ने गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं समझी। राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। शिमला के स्मार्ट पुलिस ने शाही महात्मा नामक नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मुख्य सरगना शशि नेगी समेत 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह ने सेब कारोबार की आड़ में नशा तस्करी की और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया। पुलिस ने इस साल 400 से अधिक नशा तस्करों को पकड़ा और सप्लाई चेन तोड़ने में सफल रही है। इस साल के अंत में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चुनना मुश्किल है। शमी टखने की सर्जरी से उबर रहे हैं और घुटनों में सूजन के कारण NCA में फिटनेस पर काम कर रहे हैं। रोहित ने उन्हें 100% फिट होने का समय देने की बात की है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि हैरिस की योजनाएं अश्वेत समुदाय को सशक्त बनाएंगी। ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को विभाजन और अनारीपन से बचना होगा। उनका अभियान अश्वेत मतदाताओं को लक्षित कर रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स जैसे यूट्यूबर्स को अपनी कमाई पर टैक्स के नियमों का पालन करना जरूरी है। भारत में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। यूट्यूबर्स को ITR 3 या ITR 4 फॉर्म भरना होता है, क्योंकि उनकी आय फ्रीलांसर या व्यवसाय की तरह मानी जाती है। पेशेवर खर्चों पर कटौती का दावा किया जा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA UGC नेट जून री एग्जाम 2024 के परिणाम जल्द घोषित कर सकती है। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद मेरा रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट आज शाम आने की संभावना है। उम्मीदवार परिणाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर अपने एप्लीकेशन नंबर और अन्य विवरणों का उपयोग कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की मिथेन अवशोषण क्षमता 70% तक घट सकती है। अत्यधिक तापमान और ह्यूमिडिटी से प्रभावित होकर अमेजॉन क्षेत्र का 20% हिस्सा मिथेन छोड़ता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। यह स्थिति वैश्विक जलवायु संतुलन के लिए चिंताजनक है। अभिनेता अतुल परचूरे का 14 अक्टूबर को 57 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शिवाजी पार्क में हुआ। बॉलीवुड सितारे जैसे अर्जुन कपूर, रेणुका सहाने और CM एकनाथ शिंदे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके अभिनय की सराहना की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। व्हाट्सएप ने नया लो लाइट मोड पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता कम रोशनी में बेहतर वीडियो कॉल कर सकेंगे। इस मोड को वीडियो कॉल के दौरान बल्ब आइकन पर टैप करके सक्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को कस्टम चैट थीम बनाने की सुविधा भी मिली है, जिसमें 22 थीम और 20 रंग विकल्प शामिल है। BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को अपडेट किया है और 5G सेवाओं की शुरुआत की तैयारी कर रहा है। अब ग्राहक केवल 10 मिनट में घर पर BSNL का सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी 2025 तक 1 लाख नए टावर लगाने की योजना बना रही है, जिससे बेहतर नेटवर्क सेवा सुनिश्चित होंगे। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV टाटा पंच और हैचबैक टाटा टियागो EV की कीमतों में भारी कटौती की है। टाटा पंच पर ₹20,000 का कैश डिस्काउंट और टाटा टियागो EV पर ₹50,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। दोनों मॉडलों में लंबी रेंज और विभिन्न बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे ये फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। मंत्रियों के समूह की बैठक 20 अक्टूबर को होगी, जिसमें फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल आइटम्स के GST दरों की समीक्षा की जाएगी। समूह 3 टैक्स स्लैब 5%, 18% और 28% तक का प्रस्ताव दे रहा है, जिससे 12% स्लैब को समाप्त किया जा सके। समूह की सिफारिशें नवंबर में GST परिषद को प्रस्तुत की जाएंगी। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता मिलने के बाद 16 अक्टूबर से PG और UG के कई विषयों में नामांकन शुरू होगा। विश्वविद्यालय ने 15 विषयों में नामांकन की अनुमति प्राप्त की है। स्टडी मटेरियल छात्रों के पते पर भेजा जाएगा।
सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंचने के कारण आरबीआई ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय ले सकता है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार दर कटौती विकास पर आधारित हो सकती है। खाद्य कीमतों में वृद्धि ने महंगाई को प्रभावित किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। CAPF मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड ने मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर शामिल है। ऑनलाइन आवेदन 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक किया जा सकेगा। शैक्षिक योग्यता MBBS के साथ संबंधित स्पेशलिटी में PG डिग्री या डिप्लोमा है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट से होगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं: बिरवंश कुमार, गोविंद कुमार, नौसाद रजा, प्रमिला कुमारी, दीपक कुमार, अरविंद सिन्हा, मोहम्मद अरमान बिहारी, प्रिंस पासवान, अनु गोलू कुमार, राम बाबूदास, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रेहान आलम, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, वरुण सिंह। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है: आप सबसे ज़्यादा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।